दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि सैमसंग J2 2018 का जो न्यू मॉडल है और ये सामने आप देख रहे हैं ये मोबाइल J2 2018 न्यू मॉडल। दोस्तों इस मोबाइल का आज हम आपको FRP अनलॉक करके दिखाएंगे विदाउट बॉक्स, बिना किसी बॉक्स के आप जो है मेडिकल क्रैक 2.58 से इस मोबाइल का FRP अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि इस मोबाइल पर मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल किया है, उसके बाद जाकर के ये कामयाब हुआ है। दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं वीडियो में, काफ़ी मुझे परेशानी उठाना पड़ा इस मोबाइल को अनलॉक करने के लिए मेडिकल क्रैक 2.58 से। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास कॉम्बिनेशन फाइल है डेस्कटॉप पर, उसके बाद यहाँ पे मेडिकल क्रैक 2.58 है। चलिए दोस्तों मेडिकल क्रैक 2.58 को आपको ओपन करके दिखाते हैं कि किस तरह से आप इस मोबाइल का जो है FRP अनलॉक कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी मेडिकल बॉक्स पर इस मॉडल के लिए J2 2018 के लिए, उसमें FRP अनलॉक करने के लिए, उसमें कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई जो है उसमें मोबाइल जो है ब्लिंक करता है कॉम्बिनेशन फाइल बूटी में से फाइल फ्लैश करने पर और ADB इनेबल नहीं हो रहा। दोस्तों मैं बता दूं कि ये वर्जन के ऊपर सपोर्ट करता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन फाइल कौन से वर्जन पर सपोर्ट करेगा, उसी के हिसाब से वो वर्क करता है। चलिए उसका भी तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से आप जो मेडिकल बॉक्स है और मेडिकल क्रैक 2.58 से FRP अनलॉक कर सकते हैं इस मोबाइल का बिना फ्लैश किए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टूल जो है ओपन कर लिया मेडिकल क्रैक 2.58 और सबसे पहले मैंने मोबाइल को ऑन करके लगा दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कोड स्कैन किया और डाउनलोडिंग मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पे गो कर देंगे और ये मोबाइल ऑटोमेटिकली जो है डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मोबाइल डाउनलोडिंग मोड पर जा चुका है। दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अगर कोई परेशानी होती है कॉम्बिनेशन फाइल मारने में तो इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करने का, आपको वो सारे तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने यहां पे कॉम्बिनेशन फाइल सेलेक्ट कर लिया बूट इमेज पर क्लिक करके, उसके बाद आपकी डिस्प्ले लिस्ट पर आप यहां देख रहे हैं कि यहां पे ओनली बूट इमेज फाइल से मैंने बॉक्स में बताया था मेडिकल बॉक्स में फ्लैश करने के लिए। तो कई लोगों का कहना था भाई मोबाइल जो है हैंग कर रहा है और मोबाइल जो है बिलिंग कर रहा है और मोबाइल जो है ADB इनेबल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे और भी तरीका आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर ऐसा आपके साथ होने लगे तो आप यहाँ पे जो है बाकी फाइल का चेक हटा देंगे और ये तीन फाइल का चेक जो है आप रहने के लिए देंगे, बाकी सारी फाइल का जो है चेक हटा करके इन तीन फाइल पर चेक लगा के आप फ्लैश मार सकते हैं और गारंटी है कि आपका मोबाइल बिलिंग नहीं करेगा और मोबाइल डायरेक्टली आपका ऑन हो जाएगा और ADB भी आपका इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कॉम्बिनेशन फाइल की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपना मोबाइल नंबर भी आपको दे दूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि मोबाइल जो है फ्लैश हो चुका है, उसके बाद ये मोबाइल अब ऑन होगा। ऑन होने के बाद इसका कुछ टाइम लगता है थोड़ा सा ऑन होने में और ऑन होने के बाद इसका ADB इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम इस मोबाइल को ऑन होने दें। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो चुका है। चलिए आपको यहाँ नेक्स्ट करके दिखा रहे हैं हम, आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी इसके अंदर में जो है FRP फंसा हुआ है, FRP अनलॉक नहीं हुआ है, सिर्फ कॉम्बिनेशन फाइल से मैंने इसे फ्लैश किया है ADB इनेबल करने के लिए। तो दोस्तों इसमें मैं दो तरीका आजमा रहा हूँ, पहला तरीका हमारा फेल हो गया था, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पहला तरीका, आप यहाँ पर देख रहे हैं एंड्रॉइड टूल मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सैमसंग FRP मैंने चेक लगाया, उसके बाद मैंने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये तरीका मैंने आजमाया था और लेकिन ये तरीका जो है फेल हो चुका है। तो दोस्तों अब जैसे आप यहाँ पे एंड्रॉइड टूल पे सेलेक्ट करके आप ये करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल पर अलाउ USB डिबगिंग का ऑप्शन आएगा, आपको चेक लगा करके ओके कर देना है, उसके बाद आपका मोबाइल बूट करेगा। इस तरह से कुछ आपको यहाँ पे FRP अनलॉक दिखाएगा, लेकिन आपका FRP अनलॉक यहाँ पे होगा नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे FRP अनलॉक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो है यहाँ पे आपको एंड्रॉइड वर्जन जब तक शो नहीं करेगा तब तक आपका FRP अनलॉक नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका जो है फेल हो चुका है। चलिए अब हम आपको यहाँ पे दूसरा तरीका दिखाएंगे कि किस तरह से आप जो है इस मोबाइल का मेडिकल क्रैक 2.58 से या मेडिकल बॉक्स से आप जो है अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल ऑटोमेटिकली जो है रिस्टार्ट हो गया और यहाँ पर FRP जो है सक्सेस दिखा चुका है, लेकिन फिर भी जो है इस मोबाइल का FRP अनलॉक नहीं हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो रहा है, मोबाइल को थोड़ा ऑन होने दे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो एंड्रॉइड टूल में इसका जो ये फेल हो चुका है और FRP यहाँ पे सक्सेस दिखा चुका है लेकिन इस मोबाइल का FRP अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये मोबाइल कंप्लीट अभी ऑन होने दे, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप जो है इस मोबाइल का FRP अनलॉक कर सकते हैं मेडिकल बॉक्स से या मेडिकल क्रैक से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल जो है ऑन हो चुका है। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी इस मोबाइल का जो FRP अनलॉक नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पे स्कीप का कोई ऑप्शन नहीं आया है।
तो दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं कि दूसरा तरीका किस तरह से आप इस मोबाइल का FRP अनलॉक कर सकते हैं। अगर मान के चलिए एंड्रॉइड टूल में अगर फेल हो चुका है तो दूसरा टूल में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे रिसेट FRP ADB मैंने चेक लगाया, उसके बाद चलिए हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, क्योंकि जब तक इसका एंड्रॉइड वर्जन नहीं दिखाएगा यहाँ पर तब तक हम इसका FRP अनलॉक नहीं मानेंगे। तो दोस्तों मैंने फिर से ट्राई किया और मैंने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया और ADB मोड में मोबाइल लगा हुआ है, मोबाइल डायरेक्ट ऑन है और ADB इनेबल है इस मोबाइल का। और चलिए देखते हैं कि इस मोबाइल का FRP अनलॉक होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं कि ये मोबाइल जो है अभी तक इसका ADB पोर्ट नहीं पकड़ा है, जिस कारण से यहां पे FRP अनलॉक नहीं हो रहा है और मोबाइल बूट नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा होने लगे तो आपको करना क्या है कि केबल को निकाल करके, डाटा केबल को निकाल करके दोबारा फिर से लगाना है। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे मैंने डाटा केबल निकाल करके दोबारा लगाया तो ये मोबाइल पकड़ चुका है, लेकिन अभी भी यहां पे जो है इसका जो है वर्जन नहीं दिखाया है। FRP लॉग रीसेट दिखा रहा है लेकिन इसका एंड्रॉइड वर्जन नहीं दिखाया है। चलिए फिर से हम यहां पे कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये मोबाइल जो है अभी अनलॉक होता है कि नहीं होता है। मोबाइल ऑटोमेटिकली जो है रिस्टार्ट हो चुका है, चलिए ऑन होने लिए देते हैं, उसके बाद देखते हैं ये मोबाइल जो है अनलॉक होता है या नहीं होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि इस मोबाइल का FRP अनलॉक करने के लिए मैंने काफ़ी जो है इसका जो प्रैक्टिकल किया, इस मोबाइल पर रिसर्च किया मैंने, और तब जाकर के इस मोबाइल का FRP अनलॉक हुआ है मेडिकल क्रैक 2.58 से। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है मोबाइल जो है यहां पे ऑप्शन आ चुका है, और उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं। चलिए हमसे फिर एक बार फिर से यहां पे हम ट्राई करते हैं और स्टार्ट पर हम यहां पे क्लिक करते हैं स्कैन पोर्ट करके। पोर्ट को बार बार स्कैन करना चाहिए, क्योंकि अगर सही ADB पोर्ट जब तक नहीं पकड़ेगा तब तक जो है FRP कंप्लीट अनलॉक नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए हम फिर से यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मोबाइल जो है अब यहाँ पे पकड़ चुका है और इसका एंड्रॉइड वर्जन 7.1.1 दिखा चुका है। इसका मतलब है कि FRP सक्सेसफुली जो है अनलॉक हो चुका है, इसका FRP रीसेट हो चुका है। तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में जो है ऑप्शन आ चुका है, और जैसे आप अलाउ करेंगे ऑटोमेटिकली मोबाइल जो है आपका अपना सही कंडीशन में आ जाएगा और मोबाइल का FRP अनलॉक हो जाएगा। आपको सेटअप करने की भी जरूरत नहीं है इस मोबाइल में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और फिर किसी काम आया, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग बिना लाइक किए चले आते हैं, दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।